धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड पर स्थित गीता विद्यालय के वंदना सत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित संस्कृति बोधमाला के नवीन पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम में हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा एवं उत्तर क्षेत्र के महामंत्री देशराज शर्मा, हरियाणा हिंदू शिक्षा समिति के संरक्षक सत्यनारायण गुप्ता व विद्यालय के प्राचार्य अनिल कुलश्रेष्ठ व वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक रोशन ने माँ शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुभाष सुधा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भी इसी विद्यालय का पूर्व छात्र हूं और हमारे समय भी संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती थी, जिसके द्वारा मैंने यहीं से संस्कार ग्रहण करते हुए समाज में राष्ट्रहित में काम कर रहा हूं। मेरा आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप सभी छात्र संस्कृत बोध परियोजना की तैयारी करते हुए देश में समाज हित में काम करते हुए देश विदेश में अपनी महान संस्कृति का गुणगान करें। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री देशराज ने बताया कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान संस्कृति बोध परियोजना के अंतर्गत संस्कृति ज्ञान परीक्षा पूरे भारत वर्ष में 1980 से विद्या भारती के कुरुक्षेत्र केंद्र से संचालित की जाती है। इसके माध्यम से छात्रों को भारतीय संस्कृति, धर्म, इतिहास, पर्वों, तीर्थ स्थलों, पवित्र नदियों, पर्वतों एवं राष्ट्रीय महापुरुषों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। वर्तमान में संस्कृत ज्ञान परीक्षा दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है जो विद्या भारती के द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें वर्तमान में 22 लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने आए हुए सभी अतिथि व अध्यापकों को छात्रों से निवेदन किया कि हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों व अन्य प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों को संस्कृति ज्ञान परीक्षा देनी चाहिए, जिसके द्वारा हम अपनी महान संस्कृति, इतिहास व देश के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके व राष्ट्र निर्माण में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक रोशन ने आए हुए अतिथिगणों का आभार प्रकट किया। सैनी स्कूल के प्रिंसिपल साहिल शर्मा व सुमन सागवान, गीता निकेतन विद्यालय के प्राचार्य नारायण सिंह, सेक्टर 3 के प्राचार्य सुमित, मेजर नितिन बाली के प्राचार्य सोमनाथ शर्मा, मोहन नगर विद्यालय के प्राचार्य यशपाल नारंग से, शिक्षा विद्यालय की प्राचार्य बहन राजकुमारी, गीता कन्या के प्राचार्य सुमन बाला, गीता निकेतन के प्राचार्य नारायण सिंह व विद्यालय की प्रबंध समिति के प्रबंधक वीरेंद्र वालिया, उप प्रधान डॉक्टर विजेंद्र कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष रमेश गुलाटी, सदस्य कंवर जंग बहादुर विद्यालय के आचार्य भैया बहनों व अनेक विद्यालय से प्राचार्य वे आचार्य उपस्थित रहे। अंदर से आज दर्शन करके तुम्हारा सत्य के जाने का अवसर मिला, यहाँ पर एक और प्रश्न मुझसे कुछ नहीं पता था कि हम कपड़े होके क्या सब्जेक्ट है क्या बोला था, लेकिन पूरा मालूम हुआ पूरे देश के अंदर संस्कृति के द्वारा संस्कृति बोल वाला जो 22 लाख बच्चे पूरे को योगदान देते हैं, आज ये पुस्तक का विमोचन किया गया, ये मेरा सौभाग्य है। आज पूरे देश के अंदर आज दूसरी लेवल पर मेरे ख्याल से इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है और ये भी सौभाग्य है कि क्षेत्र में फिर आज इसका विमोचन हो रहा है कि मैं कहूँगा जो 22 लाख बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया, मैं उन सभी बच्चों का भी बहुत बहुत आभार मान देता हूँ। आज मुझे यहाँ पर बहुत चीज़ों का यहाँ पता लगा, स्कूल एक बहुत बड़ा बच्चों छोटे बच्चों का अपना का भी एक